हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के खबरों की। हाल ही में आईफा अवार्ड्स के लिए रवाना हो चुके हैं बॉलीवुड सेलेब्स, जहां कुछ को किया गया एयरपोर्ट पर स्पॉट तो कुछ स्पेन जाकर करते दिखे पिक पोस्ट। बॉलीवुड सेलेब्स इंक्लूडिंग सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, शाहिद कपूर, फवाद खान, ऋतिक रोशन और करण जौहर मैड्रिड यानी स्पेन में आईफा अवार्ड 2016 के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अवार्ड शो जून 23 तारीख से शुरू हो गया है और 26 जून तक चलेगा, जिसमें कई सारे अमेजिंग एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सलमान, आलिया भट्ट, करण जौहर, अमीषा पटेल और बोमन ईरानी आईफा मैड्रिड वेडनेसडे को ही पहुँच चुके हैं। साथ ही हाल ही में जेल से बाहर आए संजय दत्त इस बार आईफा अटेंड करने जा रहे हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। यही नहीं, दबंग खान भी आए नजर, लेकिन सीधे एयरपोर्ट पर चले गए, ना मीडिया से किया इंटरेक्ट, ना ही दिया एक पिक क्लिक करने का मौका। दरअसल हाल ही में सलमान अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट की वजह से सुर्खियों में है और इस पर कोई जवाब देने से अब वो पीछे हट रहे हैं। इनके साथ साथ एयरपोर्ट पर इनके भाई अरबाज खान भी आए नजर, लेकिन ये स्पेन नहीं कहीं और जा रहे हैं। कोई नहीं, एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा भी आई नजर, जहां पर मैडम ने मीडिया के कैमरे पर खूब पोजेस दिए, कभी दिल के पोजेस तो कभी साइड पोज से अपने जलवे एयरपोर्ट पर बिखेरती दिखी मैडम। और इस पोजेस के रेस में अमीषा पटेल भी कम नहीं, मीडिया के सामने पोजेस की भरमार लेकर आई थी मैडम। भाई, यहाँ इन मैडम के पास टाइम ही टाइम था तो वही किसी को पोजेस देने का मौका ही नहीं मिला। देखिए ना, करण जौहर और आलिया भट्ट को फ्लाइट कैच करने में देरी नहीं करना चाह रहे थे, तभी तो मीडिया से इंटरेक्ट करे बिना चले गए। वही फवाद खान ने मीडिया को पोजेस दिए और कहा कि वो इस बार अच्छे गेस्ट की तरह आईफा में क्लैपिंग करेंगे। Everybody's performing, Tiger's performing, Ritik is performing, Salman's performing. It's Spain, it's a beautiful world. What are you gonna do? I'm gonna be a really good guest. You know, and I'll tell you what's important about being a good guest. और बोमन ईरानी हर बार की तरह इस बार के आईफा अवार्ड के लिए इक्वली एक्साइटेड है। मैं आईफा जाऊंगा, वो मेरा फैमिली है, विस्क्राफ्ट वाले मेरा फैमिली है, मुझे बहुत बरसों से मेरा मतलब उन लोग से ताल्लुक है। 5 साल तो मैंने होस्ट किया, उसके बाद 2 साल तो मैंने आईफा रॉक्स भी किया और को होस्टिंग भी किया, तो 7 साल 8 साल मेरे करियर, 10-12 साल के करियर में 7-8 बार तो मैं उनके लिए स्टेज पर गया हूँ, तो मेरा एक बहुत ही करीब, मैं तो जाऊंगा आईफा, कुछ भी हो मैं मेरे आईफा में जाऊंगा। और सेल्फी मोड में बोमन का लुक लगता है जबरदस्ती दे रहे हैं। एनीवेज, शाहिद, फवाद, नाक्षी और ऋतिक ऑलरेडी डेस्टिनेशन में पहुंच कर रिहर्सल करने लग पड़े हैं। बता दे, सेलिब्रिटीज वहां अपनी शो की तैयारी कर रहे हैं और ऋतिक अपने बच्चों के साथ फन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वेल, इवेंट शुरू हो चुका है। आईफा रॉक्स और आईफा अवार्ड्स के जश्न पर बॉलीवुड स्टार्स के चेहरे की चमक देखने के लिए इनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है और फिल्म के लिए हाल ही में रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग। रमन राघव 2.0 इज ऑन स्क्रीन। यस, फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे फिल्म स्टार्स के साथ साथ कई और चेहरे, जहां फिल्म स्टार्स थे इन टशन। बता दें, स्क्रीनिंग पर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर, कंगना रनौत और ऐसे कई चेहरे जिनके प्रेजेंस से अनुराग के चेहरे पर थी खुशी। बता दें, फिल्म रमन राघव 2.0 एक थ्रिलर फिल्म है, जिसके मेन कैरेक्टर में यानी रमन के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आ रहे हैं।
इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिव में भी देखा गया है, जिसका रिस्पांस काफी बेहतरीन रहा। नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस फिल्म के बारे में, क्योंकि हमने इसका ट्रायल के तौर पे हम अगर देखा जाए फिल्म फेस्टिवल में, कान फिल्म फेस्टिवल में हो चुका, और वहाँ पे लोगों को बहुत स्टैंडिंग ओवेशन मिला हमें, तो डेफिनेटली यहाँ के दर्शकों के लिए भी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि माल बहुत अच्छा है, तो इसलिए कॉन्फिडेंट होना, मॉडेस्टी नहीं होनी चाहिए। हमने मेहनत से काम किया है, बट ये है कि यहाँ पे देखते हैं क्या कैसे होता है। मुझे उम्मीद है कि हम पसंद आएगी लोगों को, जैसे वहाँ पे पसंद आएगी। यही नहीं, स्क्रीनिंग पर नवाजुद्दीन ने बताया कि उनका कंपैरिजन एंथनी हॉपकिंस और हीथ लेडगर से की गई है। वहाँ पे तो भाई ये भी कहा गया है, एंथनी हॉपकिंस से कंपेयर किया गया, और फिर हीथ लेजर और ये सब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मेरी तो औकात नहीं खैर इतनी, बट किया गया उन लोगों को लगा, रिव्यूज़ में भी उन्होंने लिखा है, तो मुझे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, बट थैंक गॉड अच्छा है, इसलिए यहाँ पे दर्शकों को पसंद आनी चाहिए। वेल, स्क्रीनिंग में सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की। So, you know, since that time, I've always been a fan of his work, and you know, Raman Raghav's trailer is spectacular, very, very interesting, intriguing, and I'm looking forward to the film. साथ ही इनका मानना है कि अनुराग को रिस्क लेना अच्छा लगता है। You know what I admire about Anurag is he's not scared of taking risks. Some risks work, some risks don't. But he never stops trying, and that I think is what's most amazing about him as a filmmaker. Well, in screening mein Bollywood queen Kangana Ranaut bhi aayi hui thi, jisne camera ko poses dene mein koi kami nahi chhodi, aur Anurag ke saath screening ke liye chali gayi. Bhai, Anurag aur unke film ke star cast ki mehnat kitni tang la paati hai, dekhna dilchasp hoga. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी, एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। वाल बॉलीवुड खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।